तिथि रानी का काव्य संग्रह अवचेतन पर गिरते हैं संकेतों के फूल संभावना प्रकाशन से आया है। इसमें से कुछ खूबसूरत कविताएं पढ़कर आपको सुना रही हूँ। पहली कविता है दुख की कविताएं बहुत आकर्षित करती हैं हमेशा ही सबको, जैसे दुख भरे गीतों की मधुरता। अचंभित हूँ क्यों महसूस होता है दुख से पुराना गहन रिश्ता। सोचती हूँ दुख क्या है, दिल की आर्द्रता पर बार बार आ जमने वाली फंगस। जिसे घिस कर निकाल दिया हो आज, तो अगले दिन और भी गहरे रंग में उगती है विद्रोह में। या ढीठ सिल्वर फिश कीड़े की प्रजाति, जो अचानक गोली की तरह आकर लगते हैं आपके स्वच्छता बोध पर। उनका जन्म किस नैपथ्य में होता है, कहना है बेहद मुश्किल। एक दोपहर चमकीली घास पर बैठे हुए दुख को उसकी चमक न्यून करते ग्रास होपर में पाया। फिर दुख मुझे अक्सर रोगी की नब्ज जांचती नर्स की पनीली आंखों में भी दिखा। जिस दिन लोगों का जन्मदिन आया, वे दुख के चाकू से बढ़ती उम्र का केक काटते नजर आए। जिसने जब जब किसी को दिलासा दी, उनके स्पर्श में हमेशा दुख की ऊष्मा झड़ती रही। ईर्ष्यालुओं के अस्तित्व में तरु पर दुख की अमर बेल लिपटी रही। हिंसा की कूची मनुष्यता के कैनवस पर दुख को युद्ध की शक्ल में चित्रित करती रही है अब तक। लेकिन यही दुख है जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि जब जब मैंने ईश्वर को पुकारा कि तुम कहाँ हो, तो आंसुओं ने गालों पर दिया बोसा, कहा तुम कभी अकेली नहीं, हम सेकंड के सबसे छोटे हिस्से में भी तुम्हारे साथ हैं। और फिर मेरे होठों से आलिंगनबद्ध हो गई साहस की एक सहज मुस्कान। अगली कविता है अहंकार। शाम मेरी उंगलियों की पंखुड़ियों में समा गई है। मैंने अंगारों की भाषा को बहुत हल्के से स्पर्श किया है, जो उसके हृदय के तीव्र स्पंदन का उत्तरदायी रक्तचाप है। वह आग्नेय है और मैंने शीतलता को अपना अंगरक्षक बनाया है। जब भी कोई ज्वलनशील पदार्थ उस भाषा से टकराया है, निज कोमल स्वभाव भूलकर वह उसमें समाया है। यूं और बढ़ा है उसके ताप का अहंकार, जो उसके जन्मदाताओं के समक्ष सफलता का गर्व बनकर लहराया है। अगली कविता है रचनात्मकता। वह कान बनकर ठहरती है बौद्धिकता के सिर पर, धूप का चश्मा बनकर मजदूरों की आंखों पर खिलखिलाती रहती है। वह सरसों के खेत में उगी पीली उजास है, वह बच्चों के रोज टिफिन खोलने पर पैदा हुआ रोमांच है। वह प्रेमी के हृदय पर लगा प्रेम का अमिट बोसा है, वह हत्यारे के दिमाग में अचानक आया नैतिकता का पाठ है। वाह क्या सुंदर बात है। वह हत्यारे के दिमाग में अचानक आया नैतिकता का पाठ है, वह रतजगों के होठों पर लिखी अमर कहानी है, वह एक साथ एक ही समय पर असह दर्द है और जिंदगी भी। वह अज्ञात पक्षी के गान से उत्पन्न नवल राग है, वह किताब के बाजार में बिकती मौलिकता है, किसी अनजान के अपने लगने से प्रकट मित्रता की अग्नि है, वह धरती और ब्रह्मांड के हर शय पर दर्ज ईश्वर की उपस्थिति है, वह
धीरे धीरे लेखक बनते मनुष्य की रचनात्मकता है। बहुत सुंदर एक से बढ़कर एक कविताएं हैं। अवचेतन पर गिरते हैं संकेतों के फूल, आपको भी पसंद आएगी, पढ़िए। शुक्रिया।